नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो जो ग्रेजुएशन के बाद जो जो लोग फ्रेशर्स क्या जॉब कर सकते हैं, तो उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो कि ट्रांसलेटर एंड अकाउंट असिस्टेंट चाहिए उनको। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी है जो ग्रेजुएट या फिर प्रो पोस्ट ग्रेजुएट, दोनों में से कोई भी बंदा इसको अप्लाई कर सकता है। और इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 14/7/2017, मतलब 14 जुलाई 2017। महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन में ट्रांसलेटर एंड अकाउंट असिस्टेंट उसको अप्लाई करने के लिए 14/7/2017 जो है लास्ट डेट है। उसके बाद चलते हैं, मेरे पास जो जॉब है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। उनमें 91 असिस्टेंट मैनेजर्स की उन्होंने मांग की है। तो ये क्या हो सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर में, अगर आपको अप्लाई करना है, उसकी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA, PG डिप्लोमा, MBA, BE, BTech, ME, MTech। अब BE मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ME मतलब मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, लाइक BTech और MTech कोई भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए। 91 असिस्टेंट मैनेजर में मांगे हैं नाबार्ड ने, यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 10/7/2017, मतलब कि 10 जुलाई 2017। उसके बाद जो मेरे पास जॉब आ रही है उसका कंपनी का नाम है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, उसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट की उनको जो मांग है, और इसके लिए लास्ट डेट जो है 7 जुलाई 2017, मतलब 7 जुलाई 2017। और एलिजिबिलिटी मतलब क्या पढ़ाई मांगी उन्होंने, या तो बंदे ने MBBS की हो, पोस्ट ग्रेजुएट की हो, PG डिप्लोमा की हो, मेडिकल में कुछ स्टडी की हो, तो उस हिसाब से वो जो है बंदा अप्लाई कर सकता है। उसके बाद जो मेरे पास जॉब आ रही है वो है रीजनल सेंटर फॉर बायोलॉजी इनवाइट्स प्रोजेक्ट JRF। अब JRF के बारे में मैं जो है आपको किसी वीडियो में डिटेल में बता दूंगा, पर जिन लोगों को पता है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। रीजनल सेंटर, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी, उसमें प्रोजेक्ट JRF की जो इन्होंने मांग की है, और एलिजिबिलिटी जो इन्होंने मांगी है MSc की हो, पोस्ट ग्रेजुएट की हो बंदे ने, वो बंदा अप्लाई कर सकता है। और लास्ट डेट जो है 3/7/2017 जो है इसकी लास्ट डेट है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में 3/7/2017 तक। और आपको मैं बता दूँ कि इसमें वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें कुछ वो नहीं है, फॉर्म नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधा वॉक इन इंटरव्यू है, तो आप ये मौका हाथ से जाने मत दें। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई इसकी MSc। और उसके बाद जो मेरे पास जॉब आ रही है वो फिर से है नाबार्ड से, यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड से है। तो उसकी लास्ट डेट भी मैं आपको बता दूं, 7 जुलाई 2017 जो है उसकी लास्ट डेट है, 7 जुलाई 2017। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए जॉब्स हैं इसमें, और इसमें उन्होंने मैनेजर्स मांगे हैं नाबार्ड में, मैनेजर्स की उनको आवश्यकता है। उसके बाद जो मेरे पास जॉब आ रही है वो भी वॉक इन इंटरव्यू है, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फॉर JRF में उन्होंने, रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर उन्होंने जो है कुछ मांगे की हैं। उसके लिए जो बंदे को वॉक इन इंटरव्यू 3/7/2017 तक अप्लाई करना होगा, मतलब कि वॉक इन इंटरव्यू जाना होगा। और एलिजिबिलिटी MSc पोस्ट ग्रेजुएट इसमें से वही है। तो ये थी कुछ जॉब्स जो मैंने आपके लिए खोज के निकाली हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं नई नई ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स जो है आपके लिए ढूंढ ढूंढ के लाता रहूँगा। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में डिटेल में पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर जॉब के बारे में अलग से वीडियो बनाऊँ, बट मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके मुझे बोला कि मैं एक वीडियो में सभी जॉब्स के बारे में बता दूं ताकि वो खुद सर्च कर सके उन जॉब्स को। तो ठीक है, जैसा आप लोगों की मर्ज़ी, मैंने एक वीडियो में भी आपको बता दिया है, अकेली वीडियो बना के हर जॉब के बारे में, वो भी मैं अपलोड करता रहूँगा। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप लोग जो है चेक कर सकते हैं इसको। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोगों का फ़ायदा ये होगा कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो लेटेस्ट वीडियोज़, लेटेस्ट जॉब्स की जो वीडियोज़ हैं वो एकदम आपको मिलती रहेंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है इसके, सो बेझिझक होकर जो है आप सब्सक्राइब वाला बटन दबा सकते हैं, और नोटिफिकेशन का बटन भी आप दबा सकते हैं, जिससे आपको जो है मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।